यूपी के शाहजहांपुर में गांव में सरकारी आवास और शौचालय के लिए जांच करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। प्रधान पर भी हमला करके उसे घायल कर दिया। मामले में कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कन्नौज में इंदरगढ़ के गुंदारा गांव में वायरल फीवर की चपेट में आने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंच लोगों को दवाइयां वितरित की। तो आपको बता दें कि मेडिकल टीम गांव पहुंची है और यूपी के कन्नौज में इंदरगढ़ के गुंदारा गांव में वायरल फीवर की चपेट में आने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंची है और लोगों को दवाइयां वितरित की है। यूपी के रामपुर जनपद में वाणिज्य विभाग के पुलिस के साथ मिलकर 3 बीड़ी बनाने के कारखानों पर छापेमारी की है। तो आपको बता दें कि यूपी में 3 बीड़ी कारखाने पर छापेमारी की गई है और वाणिज्य विभाग के पुलिस के साथ मिलकर 3 बीड़ी बनाने के कारखाने पर छापेमारी की गई है। यूपी के जौनपुर में पुलिस द्वारा बनारस से आए 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बच्चा चोरी की सूचना पुलिस को मिली थी। दोनों सिपाहियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। तो बच्चा चोरी के मामले में पुलिस पर पिटाई का आरोप है। 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। तो तस्वीरें 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और इसमें 2 पुलिसकर्मी को पुलिस से निलंबित किया गया है।